किशनगंज में मंगलवार को जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। जंगली हाथी नेपाल से झुंड बनाकर किशनगंज पहुंचे। टेराघाट प्रखंड के बैरिया और उससे लगे दो गांवों में हाथियों ने घरों में नुकसान पहुंचाया है। इसका वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि तीन हाथी गांव में घुस रहे हैं और घरों को तोड़फोड़ कर रहे हैं, मक्के की फसल को बर्बाद भी कर देते हैं। इसके बाद जो भी सामने आया उसे रौनते हुए आगे बढ़ते चले गए। ग्रामीणों का कहना है कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अब तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। हम डरे हुए हैं, घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। डर है कि हाथी कहीं किसी की जान न ले ले। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर उमानाथ दुबे ने बताया कि वन विभाग की टीम ने हाथियों के लोकेशन का पता लगाया है। तीन हाथी अभी भारत नेपाल सीमा से सटे चिचुआबाड़ी में स्थित एक जंगल में है और फिलहाल शांत है। उन्होंने दो से तीन गांवों में नुकसान पहुंचाया है। पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।